हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दिस इज द सेम डे एंड नेक्स्ट डे। तो सुबह हम गए थे फरारी और अभी जा रहे हैं हम नानी माँ से मिलने। मम्मा के मम्मा हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ। वो बीमार थे तो देहरादून आए थे। आजकल सीजन भी चला एप्पल का, उनके घर में हैं। और दादी अब आजकल बच्चों के साथ यहाँ पर जा रहे हैं। मम्मा ने स्पेशल ऑर्डर दिए थे कि दादी से जरूर मिलना, नानी से जरूर मिलना। कोई नहीं, इसके लिए मम्मा ने स्पेशल ऑर्डर दिए थे कि नानी से जरूर मिलना। तो गाड़ी चलते हैं, अब पैदल ही जाना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी थी वो भैया ले गए हैं, अभी हम जा रहे हैं पैदल। ठीक है, सोनू साथ है, मैं, सोनू और पिंका। चल पड़ेगा ना पैदल, ऑटो लेते हैं, ऑटो लेना पड़ेगा, ऑटो लेते हैं और ऑटो भी जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास गाड़ी तो है नहीं अभी। तो चलते हैं और मिलते हैं दादी माँ से मिलाते हैं। तो चलते हैं, चले सोनू फिर, पैदल जाना है हमें, ये रास्ता है पैदल जाने का। कौन सी कॉलोनी है देहरादून की? चमन बिहार। चमन बिहार। भाभी क्या हुआ आपको? भाभी कुछ ढीले ढीले से लग रहा है तो हम जानना चाहेंगे। एफआरआई ज्यादा घूम गए क्या? अच्छा, बहुत ही अच्छा है। बसंत बिहार है ना ये? चमन बिहार। तो हम चल पड़े हैं अभी रास्ते में। भैया साइड साइड रमेश जी का और ओ बिट्टू की ठुक दे भाभी। दिखता नहीं क्या भैया आपको? आपको दिखता नहीं है क्या? है? आपको दिखता नहीं है क्या? ये गाड़ी वाला पता नहीं कौन कौन बेशरम इंसान था जो भाभी को ठोकने वाला था। अब ये पंगा होने वाला है। भाभी भाभी बोल रहे अकेला चल रहा है कि भाभी तो बिल्कुल आ गए थे अपने बॉस वाले उसमें आ गए थे, बॉस वाले लुक में आ गए थे गुस्से में। तो गाइस आपने देखा अभी यहाँ पर हम ब्लॉग शूट कर रहे थे मैं पिंका, तो पीछे से एक गाड़ी वाला आया और गाड़ी वाला बार बार हॉर्न मारा तो पिंका बहुत गुस्सा हुई। तो मैंने बोला कूल एंड काम डाउन, क्योंकि घर के बिग बॉस हो आप, इधर के नहीं। लोग मुंह भी तोड़ते तो गाड़ी वाला निकल गया। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो सो गाइस थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, पिंका के हालत मारे हो गए चल चल के। तो सोचा है अब ओला या टैक्सी ऑर्डर करते हैं, है ना, जो भी बुक करते हैं। तो कहाँ है टैक्सी वाले, बुला रहे आप? हेलो भाभी फोन कर रहे हैं टैक्सी वाले को, भाभी फोन करो। ओके, तो ओला बुक करने के बाद चलते हैं। अभी हम आगे तक जाएंगे पैदल गेट तक ताकि हमारा टैक्सी वाला कम पैसे ले। तो गाइस अभी तक आप देख रहे थे, अभी तक हम प्रैंक कर रहे थे, पूरा का पूरा प्रैंक हो गया है सच में कन्वर्ट, क्योंकि भैया चले गए आगे चमन बिहार के गेट तक। अब हमें आना पड़ा पैदल कम से कम 2 किलोमीटर। तो अभी देख सकते हैं आप चेहरे पे भी पसीना आ रहा होगा क्योंकि यहाँ से जाना बहुत दूर है पैदल। भाभी गाड़ी ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ते हुए भैया तकड़े वाला प्रैंक कर दिया हमारे साथ। आगे तक दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे भाई भैया। आइए आपका ये देखो राणाज ब्रदर कहाँ घुसे है भाई, हम लोगों को इतना पैदल चलवा चलवा के हमारे पसीने निकाल दिए भैया ने। भैया यार आप कितने गंदे हो ना, मजा तो बहुत आया आपको, आया आपको बहुत मजा आया हमारे को इतना पैदल ला के। बहुत मजी है ना पैदल ही चल रहे हैं भैया, क्या हालत देख सकते हो आप। भाभी हम मंडी पहुंच चुके हैं, ये है देहरादून का मंडी। भैया मंडी से फ्रूट्स ले रहे हैं नानी के लिए। तो ये भैया है नानी के लिए, अनार और केला ज्यादा दिन की खा नहीं सकते ना, यही चबा पाएंगे आराम आराम से। ओके, दादी के घर पहुंचने ही वाले हैं अगले 5 मिनट में। नानी दादी जो भी बोलो से भी पेटी गिर गई है लोगों की। इंद्रेश हॉस्पिटल, यह है इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून का। यही ना पीछे कोई था, दैनिक जागरण का ऑफिस है, ये न्यूज चैनल दैनिक जागरण। हम यहाँ पर जहाँ पर 4 गाड़ियाँ खड़ी है अभी है।
और हम रोड से जा रहे हैं सीधे, गाड़ियां हमारी बाई रोड जा रही है रास्ते में चलती है हमारे को कोई पूछ रहा था आप कहाँ खड़े, मैंने कहा जहाँ साइकिल वाला एक ये इंद्रेश हॉस्पिटल का मेन गेट कहीं बड़ा हॉस्पिटल है हैं मेडिकल वो है ना मेडिकल कॉलेज है ना यहाँ ऐसे यार गुरु राम राय ऐसा ना अपने अपने पहले प्यार से मिलने जा रहा हूँ, अभी मेरा पहला पहला प्यार है आप अपनी सौतन से मिलने जा रहे हो नानी बहुत सुंदर है, चलो अभी देखते हैं नानी ये है नानी जी, भाई बैठ के करो ना बस नानी को सुंदर नानी से पहले पहले प्यार से मिलने लगा हूं नमस्ते भाई क्या हाल चाल है देखो आप से जोड़ती है ये सब है हमारे भाई लोग गुड़िया पल्लव बहुत सारे लोग चलो ठीक है जरूर सब लोग मिल गए नानी से, ये मेरी नानी और नानी जी और नानी है और जी ठीक ठाक तुम्हें अच्छा चलो और क्या मम्मी के लिए कुछ मैसेज, मम्मी कुछ बोल रहे हो, मम्मी की याद आएगी हैं, बोलो कुछ मम्मी के कुछ बोलो मैसेज मम्मी के लिए ऐसे बोलो जा मिल दी बोलो मुझे याद रहते रहा है तब बोलो जी सब कौन था तो बोलो कि सब टाइम दोस्त बोल बोलो कुछ कहती है बोलो आशीष मुझे बोलो तब लग गया है चलो ठीक है गाइस फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं मामा के घर से, नानी बैठे थे यहाँ पर, नानी के पास बहुत सारी गप्पे मारी और हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये स्पेशल एडिटर है हमारे काका भाई शिवम चौहान, इनका भी यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर दो भाई के चैनल को बॉस हैंडसम ब्रदर्स। और ये है नानी, नानी ने तो अभी तक बोला बहुत सारे मैसेज बोले हैं, नानी बोलो क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए बोलो कुछ ऐसे बोलो बोलो मेरे बेटे सब्सक्राइब करो तो गाइस निकल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट कीप लव अमित विक्टर यूट्यूब चैनल। ये जॉन्टी है, इसको तो मैंने कई बार अपने ब्लॉग में ऐड भी किया हुआ है, और ये हैंडसम अंक जब हम एक बार राय की जा रहे थे उस वाले ब्लॉग में भी थे है ना, नेशनल वीडियो से गुड़िया गुड़िया छोटी बहन, छोटे छोटे मामू की बेटी। चल शिवम ठीक है फिर बाय भाई, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दादी माँ के साथ हम नानी माँ के साथ हम लास्ट शूट लेते हैं, बाय करो नानी, बाय बाय, खुश रहो सब लोग, बाय लोगो, बाय बाय बाय। बारिश है बहुत ज्यादा और भाई लोग यहाँ पर लीप बने यार, सारी फोटो मिल जाएगी भाई, बाय काका, बाय काका, भेज देना ठीक है ना, बाय हैंडसम, बाय।